तमाम पत्रकार बंधुओं को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है, और आज के दिन हम रोहतक में अयोध्या की रामलीला का मंचन जो हो रहा है अयोध्या में, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो आजकल सनातन को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है, उस पर आपका क्या मानना? देखिए, एक शब्द है भारत। आज पूरे देश में भारत नाम पे महाभारत छिड़ी हुई है। दूसरा है सनातन। पहले एक आधा पप्पू राजनीति में होता था, आजकल बहुत सारे पप्पू राजनीति में आ गए हैं। तो जगह जगह पे, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, सब जगह एक पप्पू पाया जाता है जो कहीं ना कहीं खुद सनातनी होते हुए सनातन धर्म पे अटैक करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ये राक्षस कुल के लोग हैं जो प्रभु श्री राम की आस्था या सनातन धर्म पे अटैक करते हैं। हमें इनको नकारना चाहिए, इनको इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर आज से पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं। मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, उसके पहले जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने हमेशा सनातन धर्म पे अटैक करने की कोशिश की। लेकिन सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत जड़े हैं कि इसको कोई हिला नहीं पाया। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से देश माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म को कोई हिला नहीं पाएगा। हमेशा से सनातन धर्म था, है और रहेगा। अच्छा, एक दिन पहले जो मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को पास किया, उस पर आपका क्या? देखिए, अभी पास नहीं हुआ है, अभी पेश ही नहीं हुआ। आज उम्मीद है कि आज आएगा। हाँ, तो अभी पार्लियामेंट में भी पास होना बाकी है। लेकिन मेरा ये है, सुझाव है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। और ये बहुत वर्षों से ड्यू था। अगर पार्लियामेंट के अंदर भी 50% महिला आएंगी, जैसा कि 33% का उन्होंने घोषणा की है, तो 33% भी एक अच्छा बड़ा नंबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो आज पास होगा और जल्द से जल्द लागू हो जाएगा, कि 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अयोध्या की रामलीला होने जा रही है। दर्शकों के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इस बार टारगेट जो है, जैसा विधायक जी ने बताया, कि 40 करोड़ होने वाला है। तो ये बहुत अद्भुत है। और रामलीला तो अगर मैं सोचूं तो बचपन से ही हम लोग रामलीला में हिस्सा लेते आ रहे हैं, क्योंकि वो दिन भी याद है जब दो खाट को जोड़ के उस पर कपड़ा डाल के कुटिया बनाई जाती थी। तो ये सब बचपन से आदत पड़ जाती है, क्योंकि राम जो है हमारे आदर्श हैं।